हेलो एवरीवन, आज का हमारा लेक्चर है ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल्स इन कल्चर। ये बेसिकली पूरे टॉपिक को मैंने दो प्रेजेंटेशंस में डिवाइड किया है। आज के जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें हम कवर करेंगे ग्रोथ काइनेटिक्स क्या होता है, जब सेल्स कल्चर में ग्रो करते हैं तो उनका ग्रोथ काइनेटिक्स ग्रोथ पैटर्न क्या रहता है, और दूसरा चीज हम ग्रोथ हमें क्यों मेजर करनी है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के फायदे क्या है, और कुछ उनके साथ एसोसिएटेड टर्म्स हम डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन या इस लेक्चर के अंदर। सो जल्दी से हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। तो पहली स्लाइड पे हमने डिस्कस किया, आप देखेंगे व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ जब हम एनिमल टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, सेल कल्चर की बात करते हैं, तो हमारा कल्चर स्टार्ट होता है ऑर्गन से। अब वो ऑर्गन आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, एक नॉर्मल ऑर्गन हो सकता है या ऑर्गन हैविंग ए ट्यूमर, मतलब एक कैंसर जो ओरिजिन है आपके सेल्स का, इट कैन बी ए कैंसरस टिश्यू और इट कैन बी ए नॉर्मल टिश्यू। तो नॉर्मल टिश्यू को आप जब कल्चर करते हैं, when it grows to a certain level, which जिसको हमने कहा था confluency, जब it become it covers all the area, उस स्टेज के बाद आप इसको सब कल्चर करते हैं या आप इसको ट्रिप्सनाइज करके नेक्स्ट वेसल्स में डालते हैं और इस तरह से आप इसको चलाते हैं। यूजली जो नॉर्मल कल्चर्स आपके रहते हैं उनका जो लाइफ स्पैन है या उनका जो नंबर ऑफ टाइम्स दे कैन मल्टीप्लाई, वो बार बार कितनी बार कितनी देर तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसको आप फाइनाइट कहते हैं। तो यानी कि फाइनाइट नंबर का मतलब है एक टाइम के बाद वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका जो इनिशियल कल्चर है वो एक कैंसरस टिश्यू से डिराइव्ड है, तो कैंसर टिश्यू आपका अगर आपने एक बार जब उसको ग्रो किया उसके बाद सब कल्चर किया, तो दे कैन कॉन्टिन्यू टू ग्रो अगेन एंड अगेन। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी डिविजन वो शो करेंगे। कैंसर सेल्स डोंट स्टॉप, दे नेवर स्टॉप डिवाइडिंग, तो दे कैन गो ऑन एंड ऑन। सो ये दो बेसिक डिफरेंसेस आप देखें, एक नॉर्मल टिश्यू से आपने कल्चर स्टार्ट किया और एक आपने एक ऐसे ऑर्गन से, एक ऐसे टिश्यू से आपने स्टार्ट किया जो कैंसरस था। दोनों में ये डिफरेंस है कि एक कल्चर आपका फाइनाइट डिविजन्स, मतलब उनका फिक्स रहता है 20-25 सब कल्चर्स के बाद इट स्टॉप्स डिवाइडिंग, और जो आपका कैंसरस वाला होगा इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग टू एन नंबर ऑफ डिविजन्स। मूविंग ऑन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी सेल लाइन को या किसी सेल्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मीडियम, जो आपका मीडियम है इट शुड नॉट बिकम लिमिटिंग। आपने अपनी अर्ली क्लासेस में एक टर्म के बारे में सुना होगा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो चाहिए आपको सेल्स की ग्रोथ के लिए, उसमें से अगर एक भी फैक्टर लिमिटिंग हो जाए या एक भी फैक्टर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जितनी चाहिए उससे कम हो जाए, तो उस केस में आपकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाती है। इस केस में आप देखिए, मीडियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फॉर द सेल्स टू ग्रो। उसके बाद आपने कितने सेल्स डाले, बहुत कम सेल डाल दोगे स्टार्ट में तो सेल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, और यहाँ सेल एक वेसल में बड़े ज्यादा हो जाएंगे तब भी वो ग्रो नहीं करेंगे। तो एक ऑप्टिमम सेल डेंसिटी इज रिक्वायर्ड सीडिंग के टाइम भी, और जब वो ग्रो कर जाते हैं उसके बाद भी उसको ग्रोथ फेज में रखने के लिए आपको टाइमली उसको सब कल्चर करना पड़ता है। अगर वो ओवर ग्रो कर जाएंगे देन दे अगेन उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है। उसके बाद सेल्स कौन से, जो मैंने पहली स्लाइड में डिस्कस किया, क्या वो नॉर्मल सेल्स हैं या क्या वो कैंसरस सेल्स हैं। नॉर्मल सेल्स टेंड टू स्टॉप आफ्टर ए वाइल, लेकिन जो आपके कैंसरस सेल्स हैं दे कैन ग्रो ऑन एंड ऑन। उसके बाद कॉन्फ्लुएंस, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया डेंसिटी का। कॉन्फ्लुएंस एक गिवन टाइम के ऊपर सेल्स जो है वेसल की कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं वो कॉन्फ्लुएंस डिटरमाइन करेगी। तो कितने सेल्स कम है, अगर बहुत ओवरक्राउडिंग है तो स्टॉप कर जाएगी ग्रोथ, अगर सेल्स बहुत ज्यादा कम है तब भी नहीं अच्छे से ग्रो करेंगे। एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए उनका ग्रो करने के लिए। मूविंग ऑन, डबलिंग टाइम, कितने टाइम में सेल पॉपुलेशन जो है डबल हो जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता होगा कि डबलिंग टाइम कितना है, तो आप उसके हिसाब से मीडिया देख के रखोगे। कोई सेल्स बड़ा कम डबलिंग टाइम होगा तो उसमें मीडिया जल्दी जल्दी यूजअप होगा, और जो सेल्स इनका डबलिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होगा तो उसमें मीडिया की जो खपत है, मीडिया की जो यूजेज है वो कम हो जाएगी, तब कम लगेगा मीडिया और टाइम काफी टाइम निकाल जाएगा। उसके बाद जो कल्चर आपने स्टार्ट किया, क्या वो आप फ्रोजन कल्चर अपने स्टॉक में से यूज कर रहे हो या आपका रनिंग कल्चर है जिसको आप सिंपली सब कल्चर कर रहे हो। तो फ्रोजन कल्चर थोड़ा टाइम लेते हैं अपने आप को अडेप्ट करने में, उसके बाद जो आपके रनिंग कल्चर्स हैं वो कंपैरेटिवली फास्टर ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद आपका वेसल कौन सा है, जो आप वेसल यूज कर रहे हो सेल्स को कल्चर करने के लिए, क्या क्वालिटी है, क्या वो कोटेड है प्रॉपरली, क्या उसमें वो सपोर्ट करता है अडेरेंट कल्चर को, या कल्चर आपका अडेरेंट है या सस्पेंशन है, उसके हिसाब से वो सब चीजें आपका कल्चर वेसल भी उसमें रोल प्ले करेगा। मूविंग ऑन, अगर हम ब्रॉडली एक बार ओवरव्यू दें कि जो सेल्स कल्चर में हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, तो ब्रॉडली लुकिंग आपके सेल्स जब आपने
इनोकुलम किया, सब कल्चरिंग के बाद हम स्टेज ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एक कल्चर ग्रोइंग कल्चर को हमने सब कल्चर किया, जैसे ही हम उसको नए वाले वेसल में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, वो जो सेल्स हैं वो आपको टिपिकली ये फेजेस दिखाएंगे जो आपको यहाँ पे एक स्लाइड पे फेजेस दिख रहे हैं. तो जैसे ही आपने उसको डाला, क्योंकि अभी वो सेल्स ट्रिप्सनाइज है, सब कल्चर अपने कर रहे हैं उसको, तो पहला फेज वो दिखाता है, दैट इज ऑल द लैग फेज. लैग फेज मैं आगे अभी आगे स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा. तो लैग फेज में एक्चुअली सेल्स डिवाइड नहीं करते वो, हालांकि कुछ हद तक सेल का साइज जरूर बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स डू नॉट इंक्रीज. इस स्टेज का मेन पर्पस है, सेल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं टू द न्यू वेसल, टू द न्यू एनवायरमेंट. अटैचमेंट हो जाएगी, ऐसे एडहेरेंट सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम जो टाइम सेल लेंगे अडहेयर करने को, वो सारा लैग फेज में आ जाएगा. वंस द लैग फेज इज ओवर, तो सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, मीन्स विद टाइम दे प्रोलीफरेट एक्सपोनेंशियली. जैसे ही एक्सपोनेंशियली वो ग्रो कर जाते हैं, एक फेज आता है जब वो ग्रो करना स्टॉप कर जाते हैं, तो इसको स्टेशनरी फेज या हम प्लेटू फेज कहते हैं. तो एक ऐसा फेज जहाँ पे ग्रोथ बहुत कम है या बिल्कुल ना के बराबर है, देन एक्सपोनेंशियल फेज जहाँ पे ग्रोथ टाइम के साथ एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ती है और फिर ग्रोथ जो है कॉन्स्टेंट हो जाती है, उसके बाद वो डज नॉट शो एनी फर्दर इंक्रीज, इट इज ग्रोइंग इन अ लीनियर वे. नाउ मूविंग ऑन, सेल्स इसी फेज के बाद आपने इसको एड्रेस नहीं किया, तो सेल्स कैन गो टू द डेथ फेज, दे कैन डाई. अगर आपने इसको इस फेज के ऊपर आपने एड्रेस नहीं किया, रादर इस फेज के ऊपर आपने एड्रेस नहीं किया, तो दे कैन डाई. इस एक ही एक ग्राफ और आप देख लीजिए, जब हम कल्चर सेल्स की बात करते हैं, अभी मैंने बात किया तो आपने सीडिंग कर दी इन टर्म्स, अभी आपने इन टर्म्स ऑफ फेजेस देखा, ये इन टर्म्स ऑफ सब कल्चरिंग है. तो आपने सीड किया, सीड करने के बाद आप सेल्स ने थोड़ा सा डिप लिया, थोड़े से सेल्स आप देखो, ये सब थोड़ा डिप इसलिए दिखाया है कि जितने सब आपने 1000 सेल्स सीड किए, सारे के सारे जो आपके हैं वो वायबल नहीं रहेंगे, कुछ सेल्स मरेंगे, उसमें सेल डेथ भी होगी जो उस ट्रिप्सनाइजेशन को झेल नहीं पाएंगे. तो एक बार जो सेल सर्वाइव कर गए वो ग्रो करना शुरू करेंगे. ये जो आपका लीनियर, ये आपका एक्सपोनेंशियल फेज आ गया. ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फेज है, इसी फेज में आपने फर्स्ट सब कल्चर कर लेना. जब सेल्स एक्टिवली ग्रोइंग स्टेट में हो तो आपने फर्स्ट सब कल्चर कर लिया, फिर आपने उन सेल्स को ग्रो करने देना है, देन अगेन आपने सब सेकेंड सब कल्चर. तो आपने सब कल्चर जो देखा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो, जो सब कल्चर आप कर रहे हो वो आप इस एक्सपोनेंशियल फेज में ही कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एक्सपोनेंशियल फेज से आगे सेल्स को जाने देते हो तो एक प्लेटू फेज आता है. नॉर्मल सेल्स, ये ब्लू लाइन आपको नॉर्मल सेल्स दिखा रही है, तो एक प्लेटू फेज आता है और उसके बाद सेल्स मर जाते हैं, सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आपका मीडिया डिप्लीट हो जाता है, आपके वहां पे जो वेसल है उसमें ओवर क्राउडिंग हो जाती है. तो आपने यहीं पर एड्रेस कर लेना, यहीं पर उसको सब कल्चर कर देना है. अगर आपके सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, तो वो ये प्लेटू फेज शो नहीं करते, दे विल कीप ऑन ग्रोइंग. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके कैंसरस सेल्स को आपके नॉर्मल सेल्स से डिफर करते हैं, कि नॉर्मल आपके सेल्स यूजुअली मोनोलेयर्स के फॉर्म में ग्रो करते हैं, और जो आपके कैंसर सेल्स हैं दे कैन फॉर्म मल्टीपल लेयर्स, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है ग्रो करना, बिकॉज उनकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और दे विल गो टू डेथ. कैंसर सेल्स विल नॉट डाई, दे विल फॉर्म मल्टीपल लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर बनाते चले जाएंगे. तो इनकी ग्रोथ आपको रेड एरो से दिखाई हुई है, दे विल गो, दे विल कीप ऑन ग्रोइंग, ओके, विद टाइम. तो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल सेल एंड द कैंसर सेल एंड द फेजेस दे शो. एक बार फिर से, पहला लैग फेज, देन वी हैव द एक्सपोनेंशियल फेज ऑल्सो नोन एज द लॉग फेज, स्टेशनरी फेज ऑल्सो नोन एज द प्लेटू फेज, देन सेनेसेंसिया डेथ फेज. उसके बाद आपके पास हम डिस्कस करते हैं, मैंने पहले ही आपसे डिस्कस थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया कि लैग फेज में क्या होगा. तो एज वी नो इट इज अ पीरियड वेयर सेल्स अडैप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू एनवायरमेंट. जो नया एनवायरमेंट है उसमें आप सेल्स अपने आप को अडैप्ट करता है. इस सेल इस फेज के दौरान सेल अपने आप को रेडी करता है फॉर द नेक्स्ट फेज, मींस जो आपके लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज आने वाला है उसमें उसको ग्रो करना है, अच्छे से ग्रो करना है. उस काम के लिए खुद को रेडी करता है, जो भी प्रोटीन चाहिए, जो भी एंजाइम्स चाहिए, जो भी रिसेप्टर्स उसको चाहिए वो अच्छे से बना लेता है इसमें. हाँ, सेल्स जो आपके अडेरेंट सेल्स हैं वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करते हैं, अपने आप पूरी अपनी मॉर्फोलॉजी अटेन करते हैं. उसके बाद इस फेज में सेल नंबर इंक्रीज नहीं करता. हाँ, सेल साइज जरूर इंक्रीज कर सकता है, तो सेल नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, सेल विल ग्रो इन साइज नॉट इन नंबर. नंबर थ्री, अगर ये फेज आप बड़ा ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, आपको लगता है कि, तो इसका आपको कुछ आउटकम्स निकाल सकते हो इससे. आप जैसे आप कल्चर कर रहे हैं और आपका लैग फेज बहुत लंबा हो रहा है, इनिशियली सेल्स बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं ग्रो करने में, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी जो इनोकुलेशन कंडीशंस हैं
मीन्स आपके सेल्स जो है सीडिंग के टाइम डेड है बड़े सारे, या आपका जो प्लास्टिक है वो अच्छा नहीं है, सूटेड नहीं है, वो सेल्स अटैचमेंट अच्छे से नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ें आप इसमें से कंक्लूड कर सकते हो अगर आपका लैग फेज बहुत लंबा हो जाता है। मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट फेज विच इज़ अ लॉग फेज। लॉग फेज मैंने कहा एक्सपोनेंशियल फेज होता है, इसमें सेल ग्रो करता है वेरी फास्ट, वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। उसके बाद इसमें बड़ी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीडिंग डेंसिटी कितनी है आपकी, स्टार्ट में कितने सेल डाले हैं आपने, ग्रोथ रेट आप इसमें से इसका जो ड्यूरेशन है कितना ग्रोथ, कितनी फास्ट ग्रोथ कर रहा है, जितनी जल्दी ग्रो करेंगे सेल लॉग फेज छोटा होगा। और तीसरा आपका डेंसिटी कितनी है, जब ग्रो कर जाएंगे उसके बाद डेंसिटी कैसी है, डेंसिटी बहुत डेंस हो जाएगी तो सेल्स ग्रो करना बंद कर जाते हैं या ग्रोथ जो है थोड़ी सी रिटार्ड हो जाती है। तो इस केस में इस फेज में जो सेल ग्रोथ होती है बड़ी यूनिफॉर्म होती है, सेल्स जो हैं अपनी मोस्ट वायबल स्टेट में होते हैं, मोस्टली सेल्स यहाँ पे वही आएंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में जो लिविंग सेल्स होंगे, जो डेड होंगे वो पहले ही निकल जाएंगे, वो लैग फेज से आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो आपके जो लिविंग सेल्स होंगे, जो अच्छे वायबल सेल्स होंगे, वही आपके एक्सपोनेंशियल फेज में आके अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो लॉग फेज है, जैसे ही कॉन्फ्लुएंस आने वाली होती है, जैसे ही कॉन्फ्लुएंस आ जाती है सेल्स, जब टर्मिनेट सेल्स सब सारा का सारा स्पेस जो अवेलेबल है वेसल में उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसके बाद वो सेल्स जो हैं दे विल स्टॉप ग्रोइंग, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विल स्टॉप, दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द लॉग फेज। तो लॉग फेज आपके पास मीडिया की अवेलेबिलिटी अच्छी सी होनी चाहिए, आपके पास स्पेस अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और सेल्स आपके वायबल, तो उस कंडीशन में सेल्स अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से प्रोलीफरेट करेंगे, बहुत सारी डबलिंग शो करेंगे। टिल कब तक, या तो मीडिया डिप्लीट हो गया या स्पेस खत्म हो गई उस वेसल के अंदर। तो ये आपका लॉग फेज है, जब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, मीडिया डिप्लीट हो गया या आपकी स्पेस खत्म हो गई, द सेल एंटर्स द नेक्स्ट फेज, द प्लेटू फेज और द स्टेशनरी फेज। तो जैसे ही कॉन्फ्लुएंस आ गई तो ग्रोथ का रेट डिक्रीज कर जाएगा, कॉन्स्टेंट ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंट ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब इस फेज में आपको क्या क्या मिलता है, सेल्स की मोटिलिटी कम, सेल्स के पास स्पेस नहीं है ज्यादा घूमने फिरने की, ज्यादा मूवमेंट शो करने की स्पेस नहीं है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन है उसमें वो रिड्यूस हो जाती है। सेल्स ऑक्यूपाइंग मिनिमम, जो सेल अपने से कम जो एरिया वो ले सकता है उतना ही ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि उसको अवेलेबल ही नहीं है स्पेस जो है फर्दर ग्रोथ के लिए। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ रही है, कंटैक्ट इनिबिशन। कंटैक्ट इनिबिशन क्या एक प्रॉपर्टी है आपके नॉर्मल सेल्स की, नॉर्मल सेल्स जब इतने ग्रो कर जाते हैं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ टकराने लग जाता है या जुड़ने लग जाता है, उस केस में जब आपको लगता है ओवरक्राउडिंग वाली स्टेज जो है, जैसे ही ओवरक्राउडिंग वाली स्टेज आती है तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कंटैक्ट इनिबिशन। मीन्स जो ग्रोथ है इट इज इनहिबिटेड इन ए रिस्पॉन्स ऑफ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट। वेन द सेल्स आर बिकमिंग टू डेंस, सेल डेंसिटी इज टू मच, सेल्स आर कमिंग वेरी क्लोज टू इच अदर, दिस लीड्स टू कंटैक्ट इनहिबिशन। हाँ, कैंसर सेल्स ये प्रोसेस शो नहीं करते, क्योंकि कैंसर सेल्स दे आर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, तो दे विल कीप ऑन ग्रोइंग इवन इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो एक लेयर के ऊपर, दो लेयर के ऊपर, तीन लेयर, जब तक मीडिया अवेलेबल है तो वो एक के तो मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में वो ग्रो करते जाएंगे। दूसरी बात, सैचुरेशन डेंसिटी, एक डेंसिटी के बाद ग्रोथ जो है सैचुरेट हो जाएगी, फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, मीडियम डिप्लीट हो जाएगा आपका, आपका प्रोटीन वोटीन बनने की जो एबिलिटी है या जो नीड है वो कम हो जाएगी, ग्रोथ ही नहीं होगी तो प्रोटीन एक्स्ट्रा बना के क्या करेगा सेल। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड, हाँ, अब इस फेज की इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेशनरी फेज एक इस तरह का फेज है कि सेल के पास मीडिया कम है, सेल के पास स्पेस कम है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि सेल एक तरह की स्ट्रेस में है। अच्छा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस में होता है तो उसका इंटरनल मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है कि कोई ऐसी चीज बनाए जिससे स्ट्रेस को ओवरकम करे, ऐसे केमिकल्स, ऐसे मेटाबोलाइट्स को जो स्ट्रेस के दौरान बने उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इस टाइम इस केस के अंदर बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ऐसा फेज होता है स्टेशनरी फेज, जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं सेल्स जो वो नॉर्मल ग्रोथ स्टेट में नहीं बनाते। ऐसे प्रोडक्ट्स सिर्फ स्टेशनरी फेज में बनते हैं, उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे काम के हो सकते हैं। तो ये इस फेज में उन प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस बढ़ जाती है जो सेल को सर्वाइवल के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। तो वो प्रोडक्ट्स जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड दे कैन बी यूजफुल फॉर ह्यूमंस आल्सो। तो इसलिए इस स्टेशनरी फेज का इंपॉर्टेंस है। कुछ कल्चर्स में हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स चाहिए होते हैं तो हम जानबूझ के कल्चर को स्टेशनरी फेज में लेके आते हैं। अगर आपको सेल्स चाहिए ग्रोइंग फेज में तो आप लॉग फेज
में जो है सेल को रखेंगे, कोशिश करेंगे लॉग में ही रहे, और अगर आपको कुछ स्पेशल मेटाबोलाइट चाहिए तब आप सेल को स्टेशनरी फेज में जाने देंगे। इसके बाद अगर आपने अभी भी नॉर्मल सेल की ग्रोथ को चेक नहीं किया तो इट विल एंटर द डेथ फेज और द डिक्लाइन फेज। तो ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स सारे यूज हो गए, सेल्स के मेटा जो सेल्स जब मेटाबोलाइज करते हैं जो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो मीडियम को टॉक्सिक बना देंगे। एज ए रिजल्ट जो है ओवरऑल ग्रोथ रुक भी गई है, और अब जो केमिकल टॉक्सिक टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वो कुछ सेल्स को मारना भी शुरू कर देते हैं। तो ग्रोथ के बजाय डेथ शुरू हो जाती है सेल्स की। दिस इज कॉल्ड द डेथ फेज और द डिक्लाइन फेज और द सेनेसेंस फेज। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये तो हो गया ग्रोथ और उसके फेजेस। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं, दो कुछ टर्म्स हैं मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दी है सारी। सबसे पहले हमें ग्रोथ मेजर क्यों करनी है, क्या हेल्प करेगा हमें, अगर हमें ग्रोथ किसी सेल के ग्रोथ पैटर्न्स का या ग्रोथ काइनेटिक्स का पता होगा तो उससे हमें क्या होगा, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए। बेटर इन्फॉर्मेशन होगी ये पर्टिकुलर सेल इतनी देर में ग्रो करता है, इसको मेंटेनेंस करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए मीडिया में, आपको कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड तो नहीं देना, आपकी सीरम कंपोजिशन कितनी रखनी है। उसके बाद सेल प्रोलिफरेशन को आप मेजर कर सकते हैं कि कितनी 24 आवर पे क्या डेंसिटी है, 72 आवर्स के पे क्या है, 48 आवर पे क्या डेंसिटी पे चेंज आ रहा है। आप सब कल्चरिंग टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी देर में सब कल्चर करूं, हर बार माइक्रोस्कोप देखने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आपने जब ग्रोथ को ऑब्जर्व कर लिया उसके बाद आप टाइम वेस्ट कर सकते हो, उसको एक दिन के बाद करनी है, इसको डेढ़ दिन के बाद करनी है, आपको आइडिया रह सकता है कि ये सेल्स जो है लॉग फेज में एक दिन के अंदर लॉग फेज में रहते हैं, दो दिन के अंदर लॉग फेज में रहते हैं, तो सब कल्चर कब करना चाहिए उसको, इसका आपको आइडिया मिलता है। देन किसी एक पर्टिकुलर टॉक्सिक के रिस्पॉन्स में, किसी एक केमिकल के रिस्पॉन्स में सेल कैसे बिहेव करते हैं ये भी आप स्टडी कर सकते हो, किसी टॉक्सिक का क्या इफेक्ट है सेल की ग्रोथ के ऊपर। कुछ और टर्म्स हैं, बात मैंने कर ली अभी सेल डेंसिटी की, आप कितनी एक टाइम के ऊपर सेल्स के पर एमएल मीडिया में कितने सेल्स हैं, सेचुरेशन डेंसिटी किस डेंसिटी के ऊपर आके ग्रोथ जो है सेचुरेट या स्टेगनेंट हो जाएगी, प्लेटू फेज में सेल चला जाएगा या स्टेशनरी फेज में चला जाएगा। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब है कितने टाइम में, जब सेल लॉग फेज में हो, लॉग फेज के दौरान कितने टाइम में सेल जो है अपनी पॉपुलेशन डबल करता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। उसके बाद इफ यू सी सेल साइकिल क्या है, जनरेशन टाइम क्या है, कि अगर एक सेल सपोज G1 फेज में है तो उसको डिवाइड करके जो डॉटर सेल को G1 फेज में आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द जनरेशन टाइम, द इंटरवल फ्रॉम वन पॉइंट इन सेल डिवीजन से G1 टू द सेम पॉइंट इन द सेल साइकिल वन डिवीजन लेटर, एक डिवीजन के बाद उसी फेज में वापस G1 में है डिवाइड करके वापस G1 में आने में कितना टाइम लगता है, दैट इज नोन द जनरेशन टाइम और द सेल साइकिल टाइम। कॉन्फ्लुएंस आपको मैंने बात की, कॉन्फ्लुएंस इज अ टर्म विच डिटरमाइंस कि सेल एक टाइम पे कितना 100% कॉन्फ्लुएंसी, कॉन्फ्लुएंट कल्चर्स का मतलब होता है कि देर इज नो स्पेस अवेलेबल ऑन द वेसल ऑन द सबस्ट्रेट फॉर फर्दर ग्रोथ, तो हमें 70% 80% के ऊपर सब कल्चरिंग करनी होती है। तो कॉन्फ्लुएंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इट हेल्प्स यू टू डिटरमाइन कितनी देर में हम सब कल्चरिंग करेंगे। कॉन्टैक्ट इनिबिशन डिटरमाइन मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस कि सेल अपनी मोटिलिटी भी लैक, इसकी मोटिलिटी भी खत्म हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रफल हो जाते हैं, और सेल जब एक दूसरे बिल्कुल कंप्लीट कॉन्टैक्ट में होते हैं इसमें हाई कॉन्फ्लुएंस रेट्स लीड टू कॉन्टैक्ट इनिबिशन। सेल्स जो है एक दूसरे टच करके जब टच करते हैं दूसरे को उसके बाद वो ग्रो करना बंद कर जाते हैं, द फिनोमेनन इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनिबिशन। इट इज ए जो है क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल सेल्स, कैंसर सेल्स डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस नॉर्मल सेल्स तो शो करते हैं लेकिन कैंसर सेल्स शो नहीं करते। तो ये कुछ टर्म्स थी जो ग्रोथ के साथ, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एसोसिएटेड थी, जो आप अपने रूटीन जो है नोट्स में, रूटीन आपके लेक्चर्स में वर्ड्स सुनते रहेंगे, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्फ्लुएंसी, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, तो आई थॉट कि आपके साथ ये डिस्कस करने चाहिए। सो फिलहाल पार्ट वन इस लेक्चर का इतना यहीं तक रखते हैं हम, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम साइटोटॉक्सिसिटी, सेल वायबिलिटी और उनके मेथड्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं सेल वायबिलिटी या साइटोटॉक्सिसिटी, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल लगा हो अपने सिलेबस के हिसाब से, या अपने जो भी आप एनिमल टिश्यू कल्चर में आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। थैंक यू सो मच।